तो भाई लोग, आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ पबजी मोबाइल की कुछ ऑसम टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे आपका गेम प्ले हो जाएगा कतई प्रो लेवल का। यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो क्या हालचाल, मेरा नाम है जतिन, आप देख रहे हैं गेम ऑन टेक यूट्यूब चैनल। चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारी पहली ट्रिक है कि हमें यहाँ पर मिल्टा में ये वाले घर पर आ जाना है और डासिया से आना है और डासिया के ऊपर चढ़ना है और फिर ये वाली जो टिन है इसके ऊपर जंप करना है। तो एक बार हम दोबारा ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमने जंप बटन दबाया और ये हम आ गए ऊपर। और गाइस देख सकते हो यार कितना कमाल का और एकदम ज़बरदस्त एंगल आपको यहाँ पर मिल जाता है। मतलब यार यहाँ पर कोई एनिमी होगा ना तो यार आप मतलब आपसे वो बच ही नहीं पाएगा, आप उसका बूम बाम कर दोगे और वो भी सोचता रह जाएगा ये बंदा आ कहाँ से गया। तो यार गाइस चलिए चलते हैं हमारी अगले ट्रैक की तरफ। तो गाइस यहाँ अगले ट्रैक में क्या है, जो मिल्टा में सबसे ज़्यादा लूट वाला हाउस होता है ये वाला हाउस जो आप देख सकते हो, तो इसके पीछे ब्रोकन वॉल पे आपको चढ़ जाना है और रन करता है। तो चलिए रन करते हैं। तो यहाँ पर रन करते करते हमें जंप दबाना है और लेज ग्रैब की तरफ से ऊपर चढ़ जाना है। तो गाइस जब हम ऊपर चढ़ जाएंगे इसके, तो यार देखो यार कितना बढ़िया नज़ारा मिल सकता है और यहाँ से मतलब टीपी भी हम बहुत ही बढ़िया ले सकते हैं। और यार कोई एनिमी आया तो यार आप उसको यूँ जबरदस्त एकदम ठोक दोगे। तो यार ये देखो एक बॉट बाबा आ गए, हम उनको ठोकते हैं। और ये देखो बहुत ही आराम से यार आप अपने शॉट्स कनेक्ट कर सकते हो। और यार इसके बगल में भी एक घर है, आप इसके टॉप पर भी जा सकते हो, देखिए। तो यार हम यहाँ पर भी पहुँच गए और यहाँ से भी बहुत ही बढ़िया व्यू मिल जाता है यार। सो चलिए अपने अगले ट्रिक की तरफ चलते हैं। तो यार यहाँ पे जो पोचिंकी के साथ में मतलब आसपास में एक स्क्वाड हाउस होता है और उसके पीछे एक ये वाला घर होता है। तो यार जो बंदे स्क्वाड हाउस में कैम्प कर रहे होते हैं हम उनको कैसे मार सकते हो, तो यार आपको इस घर की पीछे वाली बालकनी में आ जाना है और पीछे वाली बालकनी में आके यार इसके टिन पर चढ़ना है और फिर गेट की साइड आकर आपको जंप बटन दबाना है। तो चलिए करते हैं। और यहाँ पर हम जंप बटन दबाया और हम ऊपर जा गए। तो यार यहाँ से जब हम ऊपर आ जाएंगे तो यार जहाँ पर जो बंदे कैम्प करके बैठे होंगे ना यार आप उनको बहुत ही आसानी से मार सकते हो। यार देखो इसको मारते हैं हम, तो देख सकते हो यार शॉट्स आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर यार जिन बंदों को मारोगे ना वो सोचते रह जाएंगे कि आप आ कहाँ से गए। तो यार चलिए देखिए अपने अगले ट्रिक की तरफ चलते हैं हम, लेट्स गो। तो ऐसे अगले ट्रिक में क्या है, मतलब कि अगर आप लोग रैंक पुश कर रहे हो, क्योंकि आजकल बहुत लोग रैंक पुश कर रहे होते हैं, तो आप करिए क्या ना, जाइए जोन में, जोन का डैमेज खाओ और फिर वापस आके हील करो। यार इससे होगा क्या, यार इससे होगा क्या ना कि आपकी जो वो एवरेज हील्स होंगी वो बढ़ेंगी, जिससे आपको जो रैंक के पॉइंट्स होते हैं वो आपको ज़्यादा मिलेंगे और जब वो ज़्यादा मिलेंगे तो आप बहुत ही ईजिली रैंक अप कर पाओगे। तो यार चलिए नेक्स्ट ट्रिक में क्या है हमारी, ये जो मिलिट्री बेस में लोहे का डोर होता है आप इस पर जितनी भी गोलियां मार लें ये टूटता नहीं है, यार आप इसे ग्रेनेड भी फेंकेंगे तो ये टूटेगा नहीं। तो यार लेकिन एक मॉली जो है ना इसके आर पार जा सकती है और आपके एनिमी को घायल कर सकती है। तो देखिए हमने मॉली फेंक दी और बंदा जल जाएगा। चलिए गेट खोलते हैं और ये देखिए बंदा जल रहा है और हमारा विनर बना चिकन डिनर। तो गाइस नेक्स्ट में क्या है यार, यहाँ पर फ्लेयर गन वाला सिस्टम है। मैंने फ्लेयर गन से बंदे को शूट करा और फ्लेयर गन उसके ऊपर से चली गई। तो यार ये मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे को काफ़ी लोग कहते हैं कि अगर हम फ्लेयर गन यूज़ करते हैं किसी को मारने के लिए तो यार वो क्या बंदा मरेगा, तो बंदा नहीं मरेगा। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।